एक कहावत है, सिर मुड़ाते ओले पड़े, जो फिलहाल कांग्रेस पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। काफी माथापच्ची के बाद मुंबई उत्तर लोकसभा सीट उसके खाते में आई है, लेकिन अब खबर यह है कि उसे इस सीट से उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। कांग्रेस इस सीट से लड़ने के लिए कई नेताओं से गुहार लगा रही है, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एकजुटता के बड़े दावे के साथ महाविकास आघाड़ी ने गुड़ी पड़वा यानी 9 अप्रैल को सीट शेयरिंग का ऐलान किया। सीटों की गुत्थी और विवाद सुलझाने का भी दावा किया गया, जिसके तहत महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में शिवसेना उद्धव गुट 21, कांग्रेस 17, एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीट मिलेंगी। यानी घटक दलों के बीच सीटों को लेकर उलझा हुआ पेच सुलझाने का दावा किया गया। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये भी तय किया गया, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा। महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग में उत्तर मुंबई सीट कांग्रेस के हिस्से गई है, लेकिन कांग्रेस के सामने मुसीबत ये है कि सीट के लिए उनके पास उम्मीदवार ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता विनोद घोसालकर को ही पेशकश की है कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़ें, लेकिन घोसालकर ने इनकार कर दिया। विनोद घोसालकर चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ना उन्हें मंजूर नहीं। वो कह तो रहे हैं कि वो कट्टर शिवसैनिक हैं, कांग्रेस के निशान पर चुनाव नहीं लड़ सकते। अब वो भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं तो सीट शेयरिंग में सीट लेने का मतलब ही क्या। कांग्रेस ने अलायंस में कहा कि हम उत्तर मुंबई नहीं लड़ेंगे, इनके इनिशियल स्टेज पे जो उनकी मीटिंग चल रही थी उसका एक डिमांड था कि आप शिवसेना से लड़ो, विनोद घोसालकर कैंडिडेट रहेगा तो चुन के आ सकता है, शिवसेना पार्टी से लड़ूंगा, ये भी फॉर्म लेगा तो कांग्रेस तुरंत देगी मुझे। लेकिन मेरी समस्या है कि नहीं ले सकता हूँ, मैं नहीं चुनाव लड़ सकता हूँ। बीजेपी ने इस बार मुंबई उत्तर सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मैदान में उतारा है। बीजेपी समेत शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित गुट का समर्थन मिल रहा है और वो फिलहाल भारी भी पड़ रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस को उनके खिलाफ दमदार कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। लेकिन पीयूष गोयल के खिलाफ एक फैक्टर है जो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जा सकता है, वो है पीयूष गोयल का बाहरी होना। इंडिया अलायंस का उम्मीदवार करके शिवसेना का मैं चुन के 101% आता हूँ, उसका ये कारण है जो उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है उसमें आप 50-50% हमारा भी योगदान है। इंडिया अलायंस को एमपी एक आंकड़ा बढ़ाना है तो विनोद घोसालकर को उम्मीदवार बनना चाहिए और सबकी मांग है। उत्तर मुंबई सीट बीजेपी का गढ़ है, दरअसल इस सीट पर राम नाईक और गोपाल शेट्टी चुनाव लड़ रहे हैं। 1989 से 2004 तक बीजेपी के राम नाईक सांसद रहे, 2004 में कांग्रेस से गोविंदा सांसद बने, 2009 में कांग्रेस के संजय निरुपम जीते, 2014 और 2019 में बीजेपी के गोपाल शेट्टी सांसद रहे। इस बार बीजेपी ने पीयूष गोयल को टिकट दिया है, यानी 2004 और 2009 को छोड़ दें तो 1989 से यहां बीजेपी का ही परचम लहराया है, लिहाजा इस बार कांग्रेस वहां से किसे उम्मीदवार बनाए इसकी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस की मुंबई और महाराष्ट्र में हालत अगर देखे तो पूर्णतः बेबस, लाचार और मजबूर हालत लोगों के सामने आ रही है। कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय दल कहती है, उसको इस प्रकार से झुका रहे हैं। क्या मजबूरी है कांग्रेस की? जो कांग्रेस की बरसों से सीट है, वसंत दादा पाटिल जब से थे तब से, वो सांगली की सीट भी कांग्रेस को नहीं दी। यानी कांग्रेस को इतना लताड़ा है कि कांग्रेस लाचारी और मजबूरी के कारण कुछ बोल नहीं पा रही। बीजेपी ये भी कह रही है कि जानबूझकर एक ऐसी सीट कांग्रेस को दी गई है जहां उनके पास नेता ही नहीं उम्मीदवार ही नहीं है। मुंबई में उत्तर मुंबई के बाद उत्तर मध्य मुंबई सीट भी कांग्रेस को दी गई है, लेकिन इस पर भी कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। वर्षा गायकवाड़ चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन वो दक्षिण मध्य सीट चाहती हैं, वो भी सीट उद्धव गुट ने हथिया ली। हमारे सामने कोई भी लड़े, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 में से 45 सीटें मजबूती के साथ जीतेंगे, अन्य सीटों पर भी जीत के आए इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। तीनों दलों के पास न नेता है, न नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है।
किस आधार पर वोट मांगेंगे। सिर्फ मुंबई उत्तर ही नहीं बल्कि सांगली की सीट को लेकर भी विवाद थम नहीं रहा। सांगली कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे ने दबाव बनाया तो कांग्रेस ने सीट उद्धव गुट को दे दी, जिससे सांगली के कई नेता प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से नाराज हैं और जल्द ही कांग्रेस में एक और फूट के संकेत मिलने लगे हैं।